नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग गुरु जीवन पॉइंट जीरो में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे वीसीसी वर्सेस एसीटी टीमों के बीच में जो फैन कोड ईसीएस टीटन और ऑस्ट्रेलिया का मैच नंबर 3 और 4 खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बैट्समैन, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयरों को आप सी और वीसी के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप कॉन्टेस्ट जीएल में एज ए ट्रंप कार्ड पिक यूज करके चल सकते हो। तो संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी इस मुकाबले की फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी दोस्तों आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। और इस टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट जीएल की टीमें रहेंगी, वो भी आफ्टर लाइनअप आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं दोस्तों एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों, इस मैच का वेन्यू रहेगा सीबरन क्रिकेट ग्राउंड, सीबरन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है। साथ साथ देखो तो इस वेन्यू के ऊपर पेसर गेंदबाजों को भी काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। वह इस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की बात की जाए, तो 90 और 100 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो। इसी के अंडर आपको ओवर स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी गाइज, इस वेन्यू की जो भी फ्रेश पिच रिपोर्ट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी वीसीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी वीसीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इस टीम की तरफ से देखो तो जावेद जनार्दन है, T10 में देखो तो अभी तक इन्होंने 29 मुकाबले खेले, 274 बनाए, बैटिंग ओवर तो देखो तो ओवरऑल 13 का रहता है, और साथ साथ 29 मुकाबले उन्होंने 19 विकेट भी निकाल के दिए, तो आपको बैट और बॉल दोनों करवाते हुए नजर आ जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के दोनों कॉम्बिनेशन में जाओ तो इस प्लेयर को सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। अब्दुल्ला अकबर जान की बात की जाए तो T10 में इन्होंने भी 29 मुकाबले खेले, 340 रन बनाए, बैटिंग औसत है वो 17 का रहता है, साथ साथ 29 मुकाबलों में देखो दिए 36 विकेट भी निकाल के दे चुके हैं, तो आपको ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। प्लस आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए रहेगी। तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप सीवीसी भी ट्राई करके चल लेना गाइस। सोहेल मोमिन की बात की जाए तो T10 में अभी तक देखो तो उन्होंने 23 मुकाबले खेले, 244 रन बनाए, बैटिंग औसत है वो 17 का रहता है, वही 23 मुकाबलों में को तो ये 20 विकेट भी आपको निकाल के दे चुके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रही, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप चाहो तो सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो गाइज। वहीं बात की जाए नवीन विजय सेकरा की तो T10 में अभी तक इन्होंने 8 मुकाबले खेले, 95 रन में, बैटिंग औसत देखो तो 15 का रहता है, तो एक ओवरसी पिक रही गाइज, अगर आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, बाकी आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से ट्राई करके चलना। फरहान मोमिन की बात की जाए तो फरहान ने अभी तक देखो तो 8 मुकाबले खेले, केवल 5 रन बनाए, और 8 मुकाबले में देखो तो 6 विकेट भी आपके लिए निकाल के दे चुके, तो ये आपके लिए एक ओवरसी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो गाइज, बाकी जीएल वगैरह में जरूर से ट्राई करके चलना। वहीं अली रहमीन की बात की जाए तो T10 में अभी तक इन्होंने 17 मुकाबले खेले, 83 रन बनाए, बैटिंग औसत देखो तो 16 का रहता है, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहेगा, उस कंडीशन में एक रिस्की सी पिक रहेगी, आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो गाइस। जिशन अशरीफ की बात की जाए तो जिशन अशरीफ ने अभी तक T10 में 15 मुकाबले खेले, 210 रन बनाए, बैटिंग औसत देखो तो 26 का रहता है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना। अरसलन अशरीफ की बात की जाए तो इन्होंने T10 में 25 मुकाबले खेले, 281 रन बनाए, बैटिंग औसत वो 15 का रहता है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहेगा, उस कंडीशन में एक रिस्की सी पिक रहेगी, बाकी आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। क्विंटन नॉरिसर की बात की जाए तो T10 में अभी तक 14 मुकाबले खेले, 162 रन बनाए, बैटिंग औसत देखो ओवरऑल 23 का रहता है, तो एक ओवर सी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। हिमांशु झा की बात की जाए तो 15 T10 मुकाबले खेले, केवल 20 रन बनाए, साथ साथ देखो तो 3 ही विकेट ये निकाल के दे चुके हैं, तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो गाइस। वहीं बात की जाए मार्क स्वीप पार्क की तो इन्होंने T10 में देखो तो 23
मुकाबलों में 372 रन बनाए, बैटिंग औसत वो 26 का रहता है, साथ साथ 23 मुकाबलों में 21 विकेट ये निकाल के दे चुके हैं। तो आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग और प्लस बैटिंग अच्छी खासी करवा के दे देते, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी। जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप CVC भी ट्राई करके सकते हो। डैनियन की बात की जाए तो T10 में अभी तक देखो तो 12 मुकाबले के लिए 231 रन बनाए, बैटिंग औसत वो देखो 21 का रहता है, साथ साथ कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग डाल के दे देते, तो एक विकेट अभी तक इन्होंने निकाल के दिया। तो एक और ऐसी पिक रहेगी, चाहो तो आप अपनी टीम में कवर करके चलते हो गाइस, बाकी GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में कवर करके चले ना गाइस। जुनैद साहिद की बात की जाए तो T10 में 11 मुकाबले खेले, केवल 4 रन, साथ साथ 5 विकेट निकाल के दिए, तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। शिवकृष्णा डेडपुरी की बात की जाए तो 4 मुकाबलों में 4 विकेट निकाल के दिए, तो एक और ऐसी पिक रहेगी, आपको एक या दो ओवर की बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में चाहो तो आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। अजीत खटकी की बात की जाए तो T10 में 9 मुकाबलों में 95 रन बनाए, बैटिंग औसत वो 19 का रहता है, साथ साथ 9 मुकाबलों में 5 विकेट निकाल के दिए, तो एक इंपॉर्टेंट सी पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो गाइस। बाकी VCC की बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी दोस्तों वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी ACT की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस टीम की तरफ से देखो तो उमेर आरिक है, T10 में देखो तो अभी तक 38 मुकाबले खेले, 161 रन बनाए, बैटिंग औसत देखो तो ओवरऑल 13 का ही रहता है, साथ साथ 38 मुकाबलों में ये 22 विकेट भी निकाल के दे चुके हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों आपको करवाते हुए नजर आ जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चाहो तो CVC भी ट्राई करके चलते हो। आकिब इकबाल की बात की जाए तो T10 में 39 मुकाबले खेले, 411 रन बनाए, बैटिंग औसत देखो तो 24 का रहता है, और साथ साथ 39 मुकाबलों में 30 विकेट भी निकाल के दे चुके हैं, तो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट और ट्रंप कार्ड पिक रहेगी। जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप चाहो तो CVC भी ट्राई करके चल सकते हो। मिराज हसन की बात की जाए तो T10 में अभी तक 48 मुकाबले खेले, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इस प्लेयर के पास है, वहीं साथ साथ देखो तो 48 मुकाबलों में 663 रन बनाए हैं, साथ साथ इनका बैटिंग औसत देखो तो ओवरऑल 20 का रहता है, तो आपके लिए एक और ऐसी पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो गाइस। वहीं बात की जाए इमरान असीफ की तो T10 में 31 मुकाबले खेले, 473 रन बनाए, बैटिंग औसत वो देखो तो 23 का रहता है, और साथ साथ 31 मुकाबलों में 20 विकेट भी आपको निकाल के दे चुके हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो CVC भी ट्राई करके चल सकते हो। बासित इकबाल की बात की जाए तो एक रिस्क सी पिक रहेगी गाइस, आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सिकंदर इकबाल की बात की जाए तो T10 में अभी तक 9 मुकाबले के लिए केवल 6 रन बना के दिए, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहता है, तो आप इस प्लेयर को भी सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बलविंदर सिंह की बात की जाए तो T10 में 37 मुकाबले के लिए 614 रन बनाए, बैटिंग औसत देखो तो ओवरऑल 23 का रहता है, और साथ साथ 37 मुकाबलों में इन्होंने 19 विकेट भी निकाल के दिए, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। अहमद चौधरी की बात की जाए तो 11 T10 मुकाबलों में 23 रन बनाए, बैटिंग औसत वो काफी ज्यादा कम 7 का ही रहता है, तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। आदिल तारीफ की बात की जाए तो T10 में 10 मुकाबलों में केवल 34 रन बनाए, बैटिंग औसत देखोगे तो 17 का रहता है, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहता है, अभी तक देखो तो 2 मुकाबलों में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। आदल अफजल की बात की जाए तो T10 में 23 मुकाबले के लिए केवल 20 रन बनाए, लेकिन आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, और अभी तक 23 मुकाबलों में देखोगे तो 15 विकेट ये निकाल के दे चुके, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल लेना गाइस। वहीं बात की जाए तौरीन असीफ की तो T10 में 24 मुकाबलों में 56 रन बनाए, बैटिंग औसत वो 14 का रहता है, साथ साथ देखो तो यहाँ पर 24 मुकाबलों में 11 विकेट निकाल के दिए, तो एक और ऐसी पिक रहेगी, चाहो तो आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो गाइस। बाकी GL वगैरह में जरूर से ट्राई करके चला। मुस्तफा सैफी की बात की जाए तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। T10 में 2 मुकाबलों में केवल 2 विकेट इन्होंने निकाल के दिए। असन यूसुफ की बात की जाए तो 14 मुकाबलों में देखो तो 13 विकेट ये निकाल के दे चुके हैं, तो आपके लिए एक और ऐसी पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएं। अजहर मोहम्मद की बात की जाए तो एक रिस्की सी पिक रहेगी गाइस, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी ACT की बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी दोस्तों वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। दोस्तों ये तो गया दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम इलेवन की डेमो टीम गाइज।
सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में क्यों नौशीर है। इनका बैटिंग ऑर्डर देखो तो ओवरऑल 310 में देखो तो 23 का रहता है। बैटिंग ऑर्डर भी टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग करवाती हुई नजर आ जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। अहमद चौधरी का बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहेगा, वही 310 में देखो तो इनका बैटिंग ऑर्डर वो केवल 7 का रहता है, तो एक रिस्क सी पिक रहेगी। बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अर्सनल आसिफ की बात की जाए तो ये भी आपको नंबर 5 या नंबर 6 पे बैटिंग करवाती हुई नजर आ जाएंगे। 310 में बैटिंग तो देखो तो ओवरऑल 15 का रहता है, तो दोनों आपके लिए रिस्क की पिक रहेगी। उस कंडीशन में आप ओनली अपनी टीम में क्यों नौशीर को अपनी टीम में कवर करके चल लेना गाइस। वहीं बात कीजिए बैटिंग ऑर्डर में, डी ऑक्सटीन है आपके लिए एक रिस्क सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बैटिंग ऑर्डर देखो तो ओवरऑल 21 का रहता है, बैटिंग ऑर्डर भी काफी ज्यादा नीचे रहेगा, उस कंडीशन में एक रिस्क सी पिक रहेगी गाइस। बाकी आप जीएल वगैरह में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। वहीं हिमांशु जय की बात की जाए तो एक सीधी सीधी आपके लिए एक रिस्क सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। टी टेन में देखो तो गाइस अभी तक इन्होंने 15 मुकाबले खेले, केवल 20 रन है और साथ साथ 3 विकेट निकाल के दिए, तो एक रिस्क सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो गाइस। वहीं बात की जाए बलविंदर सिंह की तो इनका बैटिंग औसत देखो तो ओवरऑल 23 का रहता है, साथ साथ ही आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, और अभी तक टी टेन में इन्होंने 19 विकेट आपको निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल लेना गाइस। वहीं बात की जाए एम असन की, इनका बैटिंग ऑर्डर देखो तो ओवरऑल 20 का रहता है और आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाती हुई नजर आ जाएंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएं। इमरान आसिफ की बात की जाए तो टी टेन में इनका बैटिंग औसत देखोगे तो ओवरऑल 24 का रहता है और कंप्लीट आपको 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, और अभी तक देखोगे तो 21 मुकाबलों में ये 30 विकेट आपको निकाल के दे चुके, तो आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप स्मॉलिक और ग्रानलिक के दोनों कॉम्बिनेशन में चाहो तो सीबीसी भी ट्राई करके चल सकते हो गाइस। मार्क स्वीपसन पार्क की बात की जाए तो ओवरऑल इनका बैटिंग औसत देखोगे तो 26 का रहता है टी टेन में, और साथ साथ ही आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, अभी तक देखोगे तो इन्होंने 24 विकेट आपको निकाल के दिए, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो सीबीसी भी ट्राई करके चल सकते हो गाइस। दोनों पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में इन दोनों को जरूर से सीबीसी ट्राई करके चल लेना गाइस। ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए एम अंसारी आपके लिए एक रिस्की सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो गाइस। वहीं बात की जाए ए यूसुफ की तो ए यूसुफ आपके लिए एक ओरेंज सी पिक रहेगी, चाहो तो आप अपनी टीम में कवर करके चलते हो गाइस, बाकी जीएल वगैरह में जरूर से ट्राई करके चला गाइस। अभी तक देखो तो इन्होंने 12 मुकाबले खेले, 12 मुकाबले इनका बैटिंग औसत वो 12 का रहता है और साथ साथ 13 विकेट इन्होंने निकाल के दिए, तो एक ओवरेज सी पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलते हो। एच खान को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला गाइस, आपके लिए एक रिस्क सी पिक रहने वाली है। वहीं बात की जाए यहाँ पे आकिब इकबाल की तो इनका बैटिंग औसत काफी लाजवाब रहता है, अभी तक देखो तो 24 मुकाबले खेले इन्होंने और 24 का बैटिंग औसत है इनका, और साथ साथ इन्होंने 24 मुकाबलों में 30 विकेट भी आपको निकाल के दिए, तो अकीब इकबाल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल लेना गाइस। वहीं बात की जाए यहां पे यू तारीफ की तो इनका भी उमेर तारीख है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहे क्योंकि इनका बैटिंग औसत तो देखो तो इतना अच्छा खासा नहीं रहता है, केवल 13 का रहता है, लेकिन बॉलिंग आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे और अभी तक 22 विकेट ये टी टेन में निकाल के दे चुके, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चलाइए। आपको स्मॉली गए वो वन साइडेड विन करवा के दे सकती है। वहीं बात कीजिए बॉलिंग सेक्शन में गाइज अकबर जान है आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाते हुए भी नजर आ सकती है। अकबर जान का बैटिंग औसत देखो तो 17 का, साथ साथ यहां पर 29 मुकाबलों में 36 विकेट भी आपको निकाल के दे चुके, तो आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएं। जुनेद शायद की बात की जाए तो एक रिस्क सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो गाइस। वहीं बात की जाए यहां पे ए अर्सलन की तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, यह भी आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएं। बाकी इस प्लेयर को चाहो तो आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए यहां पे धोनपुरी की तो आपके लिए डेड पूरी है वो रिस्की सी पिक रहेगी, 4 मुकाबले खेले अभी तक टी टेन में 4 विकेट निकाल के दिए, तो एक और रिस्की पिक आप मानकर अगर आप अपनी टीम में कवर करके चलना चाहो तो कवर करके भी चल सकते हो गाइज। वहीं बात की जाए यहां पर एस मोमीम है आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी गाइज, आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के दे सकते हैं, अभी तक देखो तो टी टेन में 23 मुकाबले खेले और साथ साथ देखो तो 20 विकेट ही आपको निकाल के दे चुके, आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे और बैटिंग औसत भी देखो तो ओवरऑल 17 का रहता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल लेना गाइज। वहीं बात की जाए यहाँ पे जज जजई की तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी आपके लिए रहेगी, कंप्लीट आपको 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, फॉर्म भी इनकी काफी लाजवाब रहती है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाइए। बाकी इस प्लेयर को आप चाहो तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन
में वीसी भी ट्राई करके चलते हो गाइस, आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक रहने वाली है। बाकी नीचे की पिक देखो तो आपके लिए इतनी अच्छी खासी नहीं रहेगी, तो उस कंडीशन में आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी बात की जाए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए गाइस, तो फिलहाल के लिए देखो तो एक बाल को मैं अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करके चलाऊँ, आपको बैट और बॉल दोनों करवाते हुए नजर आ जाएंगे। आपके लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी, तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलते हो। बलविंदर सिंह को मैं अपनी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई करके चलाऊँ, आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे और आपको ओपन या नंबर थ्री पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप सीवीसी ट्राई करके चलते हो। ए जोसफ की बात की जाए तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई करके मत चलना गाइस, आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की पिक रहने वाली है। बाकी आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए उमेर तारिक की, तो उमेर तारिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी सीवीसी की। हालांकि आपको बैटिंग से इतना अच्छा खासा नहीं करवा के देंगे, लेकिन कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, उसमें आपको अच्छे खासे विकेट वो निकालते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप चाहो तो जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। अब्दुल अकबर जान की बात की जाए तो ये भी आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से सीवीसी ट्राई करके चलते हो। वहीं एस मोहमीम को भी आप चाहो तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चलते हो। गाइज बैटिंग ऑर्डर देखो तो हालांकि इनका थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन आपको दो ओवर की कंप्लीट बॉलिंग डाल के देंगे, बैटिंग औसत भी 17 का रहता है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। गाइज टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखो तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है। जो फाइनल टीम है वो हाफ्टर टॉस व हाफ्टर लाइनअप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आपको हमारा स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।